हेलो एवरीवन, दिस इज असाद परिहार और आज इस वीडियो में मैं आपको म्यूजिक की कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। इंडियन क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, जिसे हम वेस्टर्न में सी डी ई एफ जी ए बी के नाम से जानते हैं। इंडियन क्लासिकल में सारे गामा पाधा नीसा के फुल फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि सा को हम षडज कहते हैं, रे को हम ऋषभ कहते हैं, ग को गंधार, मा को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत, नी को निषाद। सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर है। इसके अलावा विकृत स्वर भी है। सा और प, यह दोनों अचल स्वर होते हैं। इन 5 विकृत स्वरों में 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होता है। इन 4 कोमल स्वरों के नाम कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी। कोमल रे जो कि शुद्ध रे से आधा नोट नीचे होगा, कोमल ग जो कि शुद्ध ग से आधा नोट नीचे होगा, कोमल ध शुद्ध ध से आधा नोट नीचे, और कोमल नी, कोमल नी भी शुद्ध नी से आधा नोट नीचे होगा। इन सबसे अलग तीव्र म शुद्ध स्वर से हमेशा आधा नोट ऊपर होगा, जिसे हम वेस्टर्न में शार्प नोट कहते हैं। तो इसी तरह इंडियन और वेस्टर्न में टोटल 12 नोट्स होते हैं, जो कि 7 शुद्ध और 5 विकृत। वेस्टर्न में कहा जाए तो सी डी ई एफ जी ए बी, यह 7 शुद्ध स्वर हैं और इनके शार्प नोट्स होते हैं सी का सी शार्प, डी का डी शार्प, एफ का एफ शार्प, जी का जी शार्प और ए का ए शार्प। ई और बी के कोई शार्प नोट्स नहीं होते। थैंक यू सो मच, यह वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही काम का है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।